का हमारा टॉपिक है निजेरिया। इससे हमने निजेरिया के पहले स्पीसीज को डील किया था। निजेरिया क्या है? निजेरिया इज अ ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर आता है। ग्राम नेगेटिव कोकाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो जब हम प्राइमरी स्टेनिंग करते हैं तो इनको रिटेन नहीं कर पाते ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और डीक्लाइज हो जाते हैं, और डीक्लाइज होने के बाद इनको काउंटर स्टेन करना पड़ता है और ये रेड या पिंक कलर के शो होते हैं। तो इस तरीके से हम निजेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। ये एरोबिक होते हैं। सो इससे पहले हमने निजेरिया गोनोरिया को डील किया था। दैट्स वाज द स्पीसीज ऑफ निजेरिया जीनस। तो निजेरिया गोनोरिया के बाद आज हम डील करने वाले हैं निजेरिया मेनिनजाइटिस को। निजेरिया मेनिनजाइटिस क्या है? निजेरिया मेनिनजाइटिस इज अ नॉन मोटाइल, यानी कि ये मूवमेंट नहीं होता। इसके जो बैक्टीरियल सेल होता है इसके ऊपर फ्लैगेला नहीं पाया जाता। ये ग्राम नेगेटिव है, और साथ ही साथ ये कैसा दिखाई देता है? ये लाइन शेप का दिखाई देता है। लाइन शेप कैसा होता है? लाइन शेप ऐसा होता है, इसका शेप इस तरीके से होता है कि एक पार्ट इसका कर्व होता है एक लेंस की तरह, वहीं जो दूसरा पार्ट होता है वो फ्लैटेंड होता है, यानी कि एक समतल स्पेस, एक समतल सरफेस होती है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से ये होता है। देन देखते हैं इट कॉसेस मेनिंजोकोकल मेनिनजाइटिस। ये क्या करता है? मेनिंजोकोकल मेनिनजाइटिस कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। ये क्या होता है? डिप्लोकोकाई होता है, यानी कि पेयर्स में पाया जाता है। तो ये लाइन शेप का होता है, साथ ही साथ डिप्लोकोकाई होता है, यानी कि पेयर्स में पाया जाता है। तो ये क्या है? नॉन मोटाइल है, ग्राम नेगेटिव है, लाइन शेप्ड है, डिप्लोकोकाई है, और इसके जो एक साइड होता है वो कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है। और क्या करता है ये? मेनिंजोकोकल मेनिनजाइटिस ह्यूमंस के अंदर कॉज करता है। देन हम बात करते हैं सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं, कि किस तरीके से ये किसी पर्सन में क्या कर पा रहा है? इन्फेक्शन डिसीज कॉज कर पा रहा है। सो फर्स्ट इज द कैरियर्स। कैरियर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को कैरी करते हैं और खुद से दूसरे पर्सन को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। उसको हम कैरियर बोलते हैं। कैरियर ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। सो कैरियर्स एक हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? एक्टिव स्मोकिंग क्या होती है? एक्टिव स्मोकिंग वो होती है एक पर्सन जो स्मोकिंग कर रहे हैं और उस स्मोकिंग की वजह से उनको डिसीज कॉज हो रही है, या फिर कोई भी उनका सेल खराब हो रहा है एंड उसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है? उस स्पेस, उस सेल पर जाके अटैच होकर उसको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग वो होती है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए वो स्मोक कर रहा है, उसके स्मोक के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो ट्रेवल करके दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पैसिव स्मोकिंग। तो इस तरीके से ये कैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं? डिसीज कॉज कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, कि किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर। सो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर थ्रू इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट फ्रॉम अ कैरियर और अ पेशेंट, यानी कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू, चाहे वो पेशेंट हो या कैरियर हो, अगर उनकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू क्या हो सकता है? एक अनदर पर्सन में जो कि हेल्थी है उसके अंदर भी क्या हो सकता है? डिसीज कॉज हो सकती है। तो ये इसका हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन हम बात कर लेते हैं कि किन को ज़्यादा रिस्क होती है ये इन्फेक्शन कॉज होने की। तो देखा जाता है जिनको वायरल इन्फेक्शन होता है, या फिर जिनको माइकोप्लास्मिक इन्फेक्शन होता है, जिनको माइकोप्लास्मिक इन्फेक्शन से मतलब है जिनको लंग्स इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि मेनिनजाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, लाइक जिनको माउथ में इन्फेक्शन है, जिनका कैविटी में इन्फेक्शन है, या जिनके ट्रैकिया में इन्फेक्शन है, अगर इस तरीके के इन्फेक्शन देखे जाते हैं तो उनको ईजिली क्या हो जाता है? निजेरिया मेनिनजाइटिस ट्रांसमिट हो जाता है। देन हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस में हम ये डील करते हैं कि किस किस तरीके के फैक्टर्स क्या कर रहे हैं इस डिसीज़ को कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं उस बैक्टीरिया की। सो इसमें देखा जाता है कि जो सेल होता है, बैक्टीरियल सेल होता है, उसके ऊपर एक कैप्सूल पाया जाता है हर एक बैक्टीरिया के ऊपर। लेकिन इस बैक्टीरिया के जो कैप्सूल है वो कैसा है? लिपो ऑलिगो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, यानी कि ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, साथ ही साथ क्या करता है? बैक्टीरिया की जो वायलेंट पावर होती है, जो पैथोजेनेसिस होता है, उसको बढ़ा देता है, जिससे बैक्टीरिया ईजिली क्या कर पाता है? एक ह्यूमन जो लेयर जो लेयर होती है माउथ की, उसमें अच्छे से इन्वेड कर पाता है, एंटर कर पाता है, एंड इसके थ्रू क्या कर पा रहा है? वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा पा रहा है, और ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो इजीली हमारे बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया कॉज कर पाता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए क्या कर पाता है? मेनिंजियस लेयर, जो ब्रेन की लेयर है, वहाँ तक पहुँच पाता है, वहाँ पर क्या कर पाता है? इन्फेक्शन कॉज कर पाता है, यानी कि मेनिनजाइटिस कॉज कर पाता है। तो इसलिए करता ये है कि पहले इसने क्या किया, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जहाँ पर जो प्रेजेंट है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वेड करके या स्किन को इन्वेड करके एंटर करता है,
एंटर करके क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर एंटर करके वहाँ पे सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया कॉज करता है अपना मल्टीप्लिकेशन करके, एंड उसके बाद क्या कर रहा है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके ये हमारे ब्रेन की मेनिंजियस लेयर तक पहुँच के वहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है। तो इस तरीके से ये ओलिगोपॉलीसेकेराइड क्या करता है, वर्क करता है और एक बैक्टीरिया को क्या करता है, पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कराता है। देन हम बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की, यानी कि किस किस तरीके की डिसीज़ क्या कर रहा है ये बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। सो फर्स्ट में देखा जाता है कि सेप्टिसीमिया ही मेनली कॉज करता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जाकर ये सेप्टिसीमिया कॉज करके और देन जाकर ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है। सो फर्स्ट वन इज सेप्टिसीमिया। इसमें देखा जाता है कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि लार्ज पर्पल ब्लॉची स्किन हेमोरेजेस देखे जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, ये जब हमें सेप्टिसीमिया कॉज करता है तो हमारे जो ब्लड में फैल जाता है, एंड इसके बाद स्किन पे एक कुछ देखा जाता है कि लार्ज पर्पलिश कुछ ऐसी ब्लोटी स्किन हेमरेज देखे जाते हैं, यानी कि हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर कुछ ऐसे पर्पलिश डिस्कलरेशन दिखाई देता है, जिनमें से देखा जाता है कि जो ब्लड होता है वहाँ पे आके रुक जाता है, यानी बाहर की ओर आके उस जगह पे थक्का सा जम जाता है। तो ये होता है लार्ज पर्पल ब्लोची स्किन हेमरेजेस देखे जाते हैं। वॉमिटिंग एंड डायरियल कंडीशन देखी जाती है जिन पेशेंट को ये इन्फेक्शन होता है नजेरिया मेनिंजाइटिस, तो वॉमिटिंग देखी जाती है, साथ ही साथ डायरियल डिस्चार्जेस देखे जाते हैं। देन सर्कुलेटरी कॉलेप्स, जो सर्कुलेटरी कॉलेप्स देखा जाता है कि सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाना, या सही से सर्कुलेशन नहीं होने का मतलब है कि वहाँ पे कम ब्लड सप्लाई हो पा रहा है, तो इस तरीके से सर्कुलेटरी कॉलेप्स देखे जाते हैं। नेक्रोसिस देखा जाता है, कहाँ पे एड्रिनल्स, जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पे नेक्रोसिस देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है 10 to 12 आवर के बीच में। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि देखी जा रही हैं। तो पहले हमने क्या देखा कि ब्लोची पर्पल लार्ज डिस्कलरेशन देखा जा रहा है, हेमरेजेस देखे जा रहे हैं। सेकंड देखा कि वॉमिटिंग एंड डायरिया देखा जा रहा है एक पेशेंट के अंदर। थर्ड हमने देखा कि एक पेशेंट क्या कर रहा है, सर्कुलेटरी कॉलेप्स हो रहा है एक पेशेंट के अंदर। एंड लास्ट में हमने देखा कि जो एड्रिनल ग्लैंड थी उसमें क्या हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, एंड नेक्रोसिस की वजह से क्या हो रहा है, एक पर्सन की डेथ हो रही है 10 to 12 आवर के बीच में। तो ये हो सकता है अगर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया तो। देन हम देख लेते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स को, ये क्लिनिकल सिम्टम कैसे शो करता है। तो इसमें देखा जाता है कि पेटिक्यूल रैशेस देखे जाते हैं, यानी कि जैसे हमने बात की थी पर्पलिश लार्ज पर्पलिश ब्लोटिस हेमरेजेस के बारे में बात की थी, ये वैसे ही होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फ्लूड या फिर ब्लड होता है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेटिक्यूल रैशेस की तरह दिखाई देता है। देन फीवर देखा जाता है, मलेस कंडीशन देखी जाती है। मलेस क्या होता है, मलेस होता है कि एक तरीके से पर्सन बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। तो हेडेक देखा जाता है, नेक रिजिडिटी बहुत देखा जाता है जिनको मेनिंजाइटिस होता है, क्योंकि हम मेनिंजियस के बारे में बात कर रहे हैं कि मेनिंजियस में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो नेक रिजिडिटी बहुत देखा जाता है कि नेक में रिजिडिटी हो जाती है। देन वॉमिटिंग देखी जाती है, ओके। देन सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट, जिनको मेनिंजाइटिस होता है देखा जाता है कि वो लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको फोटोफोबिया देखा जाता है, ओके। देन कोमा में ऑल्सो होकर, अगर इसको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो कुछ ही हावर्स में क्या होता है, कोमा जैसी कंडीशन भी एक पेशेंट के अंदर देखी जा सकती है। तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। देन हम बात करते हैं अबाउट द लैबोरेटरी डायग्नोसिस। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम ये देखते हैं किस तरीके से हम इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इन द लैबोरेटरी। तो इसके हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो फर्स्ट वन इज द स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन के थ्रू जहाँ पर भी वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जैसे कि ब्लड में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है या फिर वो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ का हम सैंपल ले लेते हैं। जैसे कि इसमें CSF फ्लूड लिया हुआ है। CSF क्या है, अगर वो मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है तो मेनिंजाइटिस क्या है, जो मेनिंजियस लेयर होती है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है उसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसके आसपास क्या होता है, CSF फ्लूड होता है जिसके अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है बैक्टीरिया। तो हम CSF फ्लूड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू, क्योंकि सेप्टिसीमिया कॉज कर रहा है तो ब्लड में भी क्या है, मौजूद है, तो हम सेप्टिसीमिया के थ्रू कर सकते हैं आइडेंटिफाई। स्किन लीजन, अगर कहीं पर भी स्किन लीजन कर रहा है, जैसे कि हमने बात की थी पर्पल ब्लूइश स्किन हेमरेजेस हो रहे थे वहाँ पे, तो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो ये हमने स्पेसिमेन कलेक्शन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि हमने ग्राम स्टेनिंग इसलिए देखा क्योंकि ग्राम स्टेनिंग या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं, तो हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, स्टेनिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टेनिंग कैसे करेंगे, स्टेनिंग में हम ग्राम प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्राइमरी स्टेन करते हैं, इसके बाद क्योंकि जो कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं तो उसको होल्ड नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते और डीकलराइजेशन हो जाता है इनके साथ। देन इसके बाद काउंटर स्टेन करना पड़ता है। देन रेड एंड पिंक कलर के शो होते हैं, तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कलर कैसा शो कर रहे हैं, या फिर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका शेप कैसा है,
इनका लाइन शेप है कि नहीं, तो इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कल्चर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कल्चर किस तरीके का प्रोवाइड कराता है इस बैक्टीरिया को। तो इसमें देखा जाता है कि हम इसमें कल्चर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि नेसोफेरेंजियल एरिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि वहाँ पर ये मौजूद है बैक्टीरिया, तो नेसोफेरेंजियल एरिया से हम स्वैप करके वहाँ से ले लेते हैं एंड इसको कल्चर करते हैं और वहाँ से ग्रो करते हैं कल्चर में। तो किस तरीके का कल्चर मीडियम प्रोवाइड कराते हैं ये हम देख लेते हैं। दैट्स फॉर द चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार एक मीडियम है जिसको हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बहुत ही इजीली ग्रो कर पाते हैं, जिसमें CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इससे क्या कर पाते हैं, वो अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कल्चर करके कि ये यही बैक्टीरिया है। ओके, टायर मर्टिन मीडियम इससे पहले वाली स्पीसीज में यानी कि नेजेरिया घोनोरिया में हमने बात किया था कि सेलेक्टिव मीडियम होता है। सेलेक्टिव मीडियम में हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव मीडिया यानी ये पर्टिकुलर किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को ग्रो करने देता है और जो नॉन पैथोजेनिक है या फिर जो अदर बैक्टीरिया है उनको ग्रो करने नहीं देता है। तो सेलेक्टिवली अगर ये ग्रो कर रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, नेजेरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया है। ओके, देन हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट शुगर को फर्मेंट कर रहे हैं, उनके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें भी देखा जाता है कि ये क्या करता है, ग्लूकोज एंड माल्टोज से जो शुगर हैं उनको क्या कर पाता है, फर्मेंट कर पाता है। तो इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये नेजेरिया मेनिनजाइटिस है। तो ये कुछ लेबोरेटरी डायग्नोसिस थे जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बैक्टीरिया को। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरीके से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। तो देखा जाता है कि हम इसमें सल्फोनामाइड या फिर सेफेलोस्पोरिन क्लोरोफेनिकोल नाम की एंटीबायोटिक्स हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिससे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो बैक्टीरिया सल्फोनामाइड रेसिस्टेंट है यानी सल्फोनामाइड का उस पर असर नहीं हो रहा है, तो उसमें पेनिसिलिन जी या फिर क्लोरोफेनोल एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो हमने पहले क्या देखा, सल्फोनामाइड एंड क्लोरोफेनोल प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वो बैक्टीरिया सल्फोनामाइड से क्या है, रेसिस्टेंट है, तो हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, पेनिसिलिन जी या फिर क्लोरोफेनोल प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, देन हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड प्रोफाइल एक्सेस के बारे में कि किस तरीके से हम इस डिसीज़ को होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे प्रोफाइल एक्सेस टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं जिसके बेसिस पे इस डिसीज़ को हम इन्फेक्शन कॉज से रोक सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इसकी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में इसका आ जाता है पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। पॉलीसेक्राइड वैक्सीन हम कॉमनली यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को रोकने के लिए, यानी ग्रोथ को रोकने के लिए। सेकेंड हम बात करते हैं रिफॉर्मसिन। रिफॉर्मसिन एक एंटीबायोटिक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पर, यानी कि जो भी फैमिली मेम्बर है इन्फेक्टेड पर्सन के, उनको ये इन्फेक्शन ना हो बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिफॉर्मसिन जो एंटीबायोटिक्स है वो दे सकते हैं। तो आज हमने क्या डील किया, आज हमने डील किया नेजेरिया की सेकेंड स्पीसीज को, दैट्स फॉर द नेजेरिया मेनिनजाइटिस। इसके बारे में जाना कि ये नॉन मोटाइल होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके शेप को देखा, इसका शेप होता है लाइन शेप का, यानी कि जो ऐसा लेंस होता है उस तरीके का होता है। साथ ही साथ जाना कि मेनिंजोकोकल मेनिनजाइटिस क्या करता है, कॉज करता है। देन देखा कि किस तरीके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो जो कैरियर हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं या फिर जो इसको कैरी कर रहे हैं वो हो सकते हैं। सेकेंड हमने देखा कि स्मोकिंग के थ्रू एक्टिव या पेसिव उसके थ्रू क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये इजीली ट्रांसमिट हो पाता है। देन देखा इसके रिस्क किस किस को है, जिसको वायरल इन्फेक्शन है या फिर जिसको मायोप्लास्मिक इन्फेक्शन है उनको क्या होता है, इजीली ये इन्फेक्शन कॉज हो पाता है। देन देखा कि पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस में हमने देखा था कि इसमें लिपो ऑलिगो पॉलीसेक्राइड नाम की कैप्सूल होता है बैक्टीरिया के ऊपर, जो कि क्या करता है, इसकी पैथोजेनिसिटी को बढ़ा देता है, इसकी वायलेंट पावर को बढ़ा देता है। ओके, देन पैथोजेनिसिटी देखा कि सेप्टिसीमिया कॉज करता है। सेप्टिसीमिया के द्वारा क्या क्या सिम्टम शो हो रहे हैं वो हमने डील किया कि पिटकी रैशेस हो रहे थे या ब्लूइश हेमरेजेस हो रहे थे स्किन के ऊपर। एंड देन देखा कि इस तरीके से वॉमिटिंग एंड डायरियल कंडीशन देखी जाती हैं, कोमा में जा सकता है पेशेंट। ओके, तो ये सारे देखा कि ब्राइट लाइट से क्या है, सेंसिटिविटी हो रही है पेशेंट को, तो ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। नेक रिजिडिटी देखी जाती है मेनिनजाइटिस में। देन देखा लेबोरेटरी डायग्नोसिस, यानी किस तरीके से हम इसको लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन स्पेसिमेन कलेक्शन के थ्रू, ग्राम स्टेनिंग के थ्रू, या फिर कल्चर के थ्रू, या बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एंड लास्ट में हमने देखा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम सल्फोनामाइड और क्लोरोफेनोल नाम के एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वो सल्फोनामाइड से असिस्टेंट है तो हम इस पर पेनिसिलिन जी प्रोवाइड करा रहे हैं।
देन इसका प्रिवेंशन को देखा कि प्रिवेंशन में हम इसमें इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन के थ्रू इसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीसेक्राइड वैक्सीन हो गई तो इसको हम दे सकते हैं, जैसे जो कि मेनिनजाइटिस को यू नो कम करने में हेल्प करती हैं। देन हमने देखा कि रिफॉर्मसिम हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के थ्रू दे सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।